है, मैंने 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। ए बिछेड़, तुम जैसे लोगों को अच्छे देखे जानता हूँ मैं, भीख मांगने पर ड्रामा करते हो। सुन, तुझे पैसे चाहिए? इधर को, काम कर लेगा? हाँ कर लूंगा। चल गाड़ी साफ कर। किसी के वास्ते कहां राहें बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब। भैया गाड़ी साफ कर दी मैंने। अच्छा चल जूते साफ कर। लाओ भैया पैसे दे दे। चल जा, ये तेरी औकात है। भैया मुझे कुछ पैसे दे दो। इतना अच्छा खासा शरीर है तेरा, हट्टा कट्टा सा, कोई काम नहीं कर सकता तू? चल बे पासवान। जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे थोड़ा सा ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पर तुम्हें ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी? शक्ल देखिए कभी अपनी, तुम इसी लायक हो। हाँ वो सही कह रहा था कि मेहनत करनी चाहिए, मुझे मेहनत का फल मिलेगा। अगर मैं मेहनत करूँगा जब भी आगे बढ़ूंगा, भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे मेहनत करनी चाहिए। हाँ मैं मेहनत करूँगा। अपनी प्रॉपर्टी पे काम चालू नहीं हो रहा? होने वाला है, ये सारी प्रॉपर्टी अपनी हो जाएगी। एक सिग्नेचर की वो है बस, सिग्नेचर हो जाए एक हो जाएगी। जल्दी कराओ ना मालिक, हो जाएगी। एक सिग्नेचर होने बाकी है बस। ये प्रॉपर्टी है ना सारी, जल्दी से जल्दी नाम करा लो। हो जाएगी, टेंशन ना लो, एक सिग्नेचर हो जाए बस, सारी अपनी होगी ये। हाँ जी सर, सर बस आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। पर ये प्रॉपर्टी तो मेरी हो गई थी ना, ये सचिन सर ने खरीद लिया। पर मेरे सिग्नेचर बाकी थी एक तो। पर ये सचिन सर ने खरीद लिया। कौन सा सचिन सर आपके? अभी कुछ ही देर में आप मिल लीजिएगा खुद। ठीक है, मिलवाइए हमें। श्योर। बॉस देने नंबर इंज दिया कारा, जदो यट निकले तक दिया नारा, तेरे टोन गेड़ा एक ही बथेरा, बैरिया ने सहनिया नी हड्डा उते मारा, मान का दा मुंडा समझी ना कुंडा, नाम पिछे सिंग रैम चोटी दे शकीन।
हाँ जी मैम, आपके सर नहीं आए? याद तो गए सर। ये है सर। ये भिखारी, इस भिखारी को तो मैंने खुद 1 रुपया दिया है। यही है हमारे सर। अबे ये वो भिखारी है, मैंने 1 रुपया दिया इसे। तो माइंड योर लैंग्वेज। मालिक ये तो वही भिखारी जिसको आपने धक्के मार के निकाल दिया था। अबे ये हाँ वही है यार, ये मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का कैसे मालिक हो सकता है? तो भाई मेरे को पहचाना आपने? हाँ भाई पहचान गया, तो वही भिखारी है। तो ये बता तू बना कैसे, यहाँ कैसे पहुँच गया? कभी किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए, आपने गरीब का मजाक बनाया, बहुत गलत किया। जो हाल भाई मेरा था वो हाल आपका भी हो सकता है, इसलिए कभी किसी गरीब का मजाक मत बनाना। ओ भाई रुक तो जा। भाई ये तो बता दे तू यहाँ तक पहुँचा कैसे यार? भाई कहानी बहुत लंबी है, टाइम लगेगा, एक काम कर फ्लैशबैक जा। ये मैं जगह जगह जाके लोगों से पैसे मांगता था, लोग मेरा मजाक बनाते थे और मुझसे पूछते थे अरे तू हट्टा करता है सर, ये तो तू कुछ काम क्यों नहीं करता? तो फिर मैंने सोचा हाँ मुझे कुछ काम करना चाहिए, मैं इसलिए चला जाता हूँ उनकी बात का सोचने लगता हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, फिर मैं इसीलिए काम करने का सोचता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा। हर रोज की तरह मैं कोई मेहनत का काम करता हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ, इसी तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। काम करते गया फिर मुझे एक दीदी मिलती है जो मेरी लाइफ का सब कुछ चेंज कर देती है। दीदी अगर आप नहीं होती तो शायद मैं आज इस जगह पर नहीं होता। नहीं भैया मेरा तो ये कर्तव्य था आपको रास्ता दिखाना, मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ आपको रास्ता दिखाया है। ऊपर वाला सबकी मदद करता है। नहीं दीदी आपने मेरी जो मदद की शायद कोई नहीं करेगा, आप जैसी बहन सभी को दे। राम राम जी भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।